हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी का, जो है वाइट कॉलर क्राइम। और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वाइट कॉलर क्राइम का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हाइट कॉलर क्राइम आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइट कॉलर क्राइम का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स। सो इन द इंट्रोडक्शन, द नोशन वॉज लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाय प्रोफेसर एडविन सदरलैंड इन 1941। जो व्हाइट कॉलर क्राइम का कंसेप्ट है, ये पहली बार जब नोशन में आया, पहली बार लोगों को पता चला, वो पता कराने वाला जो पर्सन था वो प्रोफेसर एडविन सदरलैंड था, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट था। 1941 में व्हाइट कॉलर क्राइम का कंसेप्ट को उसने बताया कि ऐसे ऐसे क्राइम है जो व्हाइट कॉलर क्राइम के डेफिनेशन में आते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ इट इंक्लूड्स फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजमेंट। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। आगे चल के हम उसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजमेंट, किसी को फ्रॉड करने, किसी को चीट करने के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट किया जाता होगा तो वो क्राइम में आएगा, व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा, क्योंकि उसके पीछे का पर्पस कुछ ना कुछ पैसा कमाना होता है लोगों को फंसाकर। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स का अगर उल्लंघन कोई करता है, पेटेंट का अगर इन्फ्रिंजमेंट कोई करता है तो ये किस लिए कर रहा है, वो पैसा कमाने के लिए, तो ये भी व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा। पब्लिकेशन ऑफ फॉल्सिफाइड बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की बैलेंस शीट होती है उसमें हेर फेर करना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आता है। पासिंग ऑफ गुड्स, कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट इन द कमोडिटी ऑफ से फॉर सेल, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं उसमें कोई डिफेक्ट है और मैं डिफेक्ट को छुपाकर बेच रहा हूं, वो मुझे पता है कि उसमें डिफेक्ट है, छुपाकर बेच रहा हूं, इसका पर्पज क्या है, पैसा कमाना। तो ये भी व्हाइट कॉलर क्राइम का एक एग्जांपल हो सकता है। सो दीज व्हाइट कॉलर क्राइम्स बाय नेचर आर सच दैट द इंजरी और द डैमेज कॉज्ड एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देम इज सो वाइडली डिफ्यूज्ड इन द लार्ज बॉडी ऑफ सिटीजन दैट देयर इनॉर्मिटी एज रिगार्ड्स पर्सोनेज विक्टिम इज ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग। तो यहां पर क्या होता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम के वजह से जो अफेक्ट होने वाले लोग हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ये नुकसान इससे पहुंचता है। अगर हम दूसरे क्राइम देखेंगे जो ट्रेडिशनल क्राइम होते हैं, वो जिस पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम हुआ वही जनरली अफेक्ट होता है, बट व्हाइट कॉलर क्राइम में सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं कोई कमोडिटी जो मैंने मैन्युफैक्चर की है उसमें कोई डिफेक्ट है और मैं डिफेक्ट को छुपाकर बेच रहा हूं, तो जितने भी एन नंबर ऑफ कंज्यूमर होंगे मेरे, वो सारों को मैं फंसा रहा हूँ, मतलब सारे के सारे विक्टिम में आएंगे और मैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल के डेफिनेशन में आऊँगा। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम, एक बात ध्यान में रखिए कि व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसे क्राइम है जिसका जो मोटिव है, क्राइम करने की जो वजह है वो पैसा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के लिए जो पर्सन ऑफेंस कर रहा है वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के डेफिनेशन में आता है। तो पहली बार 1941 में एडविन सदरलैंड ने इस कंसेप्ट को पिक्चर में लेकर आया था। अब मीनिंग ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, कि व्हाइट कॉलर क्राइम के एग्जैक्टली मीनिंग क्या है हम डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम डिनोट्स अ डिस्प्ले ऑफ फ्रॉडुलेंट स्कीम, करप्शन एंड कमर्शियल ऑफेंसेस कमिटेड बाय बिजनेसमैन एंड पब्लिक ऑफिशियल अलाइक। सो व्हाइट कॉलर क्राइम डिनोट्स अ डिस्प्ले ऑफ फ्रॉडुलेंट स्कीम। एक आधा पर्सन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्कीम लोगों को बताकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कोई स्कीम लेकर आता है कि आप इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और दो महीने में, तीन महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। दिस इज, ये क्या है, ये फ्रॉडुलेंट स्कीम है। तो फ्रॉडुलेंट स्कीम बताकर लोगों के पैसे ऐंठना, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में आएगा। करप्शन जो है, करप्शन क्या है, करप्शन व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा, कि मतलब मुझे कोई काम करना है, मेरा काम लीगल है, फिर भी अगर मुझे उसके लिए पैसा देना पड़ रहा होगा मेरा काम कराने के लिए, तो ये करप्शन है और करप्शन भी व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में आएगा। एंड कमर्शियल ऑफेंसेस कमिटेड बाय बिजनेसमैन एंड पब्लिक ऑफिशियल अलाइक, कमर्शियल ऑफेंसेस जितने बिजनेस करते हुए पर्सन जो जो ऑफेंस करेगा वो सारे व्हाइट कॉलर क्राइम के डेफिनेशन में आएंगे। तो
पैसा कमाना व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के पीछे का एम है। इट्स करंट यूसेज इंक्लूड अ ब्रॉड रेंज ऑफ नॉन वायलेंट ऑफेंस वेयर चीटिंग डिसऑनेस्टी एंड करप्शन आर द सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम में जनरली वायलेंस नहीं होता है, मतलब हाथापाई व्हाइट कॉलर क्राइम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब किसी को मारकर पैसा नहीं ऐंठा जा रहा है यहाँ पर। तो नॉन वायलेंट क्राइम है व्हाइट कॉलर क्राइम, वो क्रिमिनल कहीं और बैठा है और लोगों को वहीं से फंसा रहा है। सपोज अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, मैं वो डिफेक्ट को छुपा कर बेच रहा हूं, तो इसके लिए मुझे किसी पर्सन के साथ हाथापाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने चेयर पर बैठा हुआ हूं और मैं मेरी कमोडिटी सेल कर रहा हूं। तो नॉन वायलेंट ऑफेंस होता है व्हाइट कॉलर क्राइम, वेयर चीटिंग डिसऑनेस्टी एंड करप्शन आर द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम का सेंट्रल एलिमेंट क्या है? चीटिंग, लोगों को चीट करना। डिसऑनेस्टी मतलब डिसऑनेस्टी है, यहाँ पर बेईमानी है। मुझे पता है कि डिफेक्ट है फिर भी मैं बेच रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पैसे डबल नहीं होने वाले फिर भी मैं वो स्कीम बता के लोगों के पैसे ऐंठ रहा हूँ, मुझे पता है कि ये किसी और का पेटेंट है मैं उसका इन्फ्रिंजमेंट कर रहा हूँ। डिसऑनेस्टी एक सेंट्रल एलिमेंट है व्हाइट कॉलर क्राइम का। करप्शन सेंट्रल एलिमेंट है व्हाइट कॉलर क्राइम का। हम देखते हैं कि आज अपने कंट्री में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमको अपना लीगल काम कराने के लिए भी करप्शन या ब्राइब देना पड़ रहा है, रिश्वत देना पड़ रहा है। तो ये क्या है? सेंट्रल एलिमेंट है और ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में आएगा। अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। एडविन सदरलैंड ने डिफाइन किया है व्हाइट कॉलर क्राइम को। व्हाइट कॉलर क्राइम एज क्राइम कमिटेड बाय पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। तो सदरलैंड का मानना यह है कि व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसे पर्सन करते हैं कि जो सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पोजीशन रखते हैं, मतलब सोसाइटी में जिनकी इज्जत है, हाई सोशल स्टेटस है उनका, सोसाइटी में स्टेटस ऊंचा है उनका, ऊंचा दर्जा है, और वो जब ऑफेंस करते हैं इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं उसमें अगर वो ऑफेंस करते हैं तो व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, और वो अपना बिजनेस करते हुए ऑफेंस कर रहा होगा तो व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है जिसकी इज्जत है सोसाइटी में, और वो पॉलिटिक्स में रहते हुए अगर कोई फ्रॉड कर रहा होगा, कोई गबन कर रहा होगा, व्हाइट कॉलर क्राइम में आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा पर्सन जिसकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है सोसाइटी में, जिसका स्टेटस ऊंचा है, वो अगर अपने ऑक्यूपेशन में जो भी वो बिजनेस कर रहा है, जो भी वो तिजारत कर रहा है, जो भी वो धंधा कर रहा है, उसमें अगर कोई ऑफेंस करता है करते हुए, तो व्हाइट कॉलर क्राइम के डेफिनेशन में आएगा अकॉर्डिंग टू एडविन सदरलैंड। हार्टून डिफाइंस अ व्हाइट कॉलर ऑफेंस एज अ वायलेशन ऑफ लॉ रेगुलेटिंग बिजनेस which is committed for a firm by the firm or its agent in the conduct of its business। हटंग ने बताया व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? ऑफेंस एज अ वायलेशन ऑफ लॉ रेगुलेटिंग बिजनेस। हटंग का मानना यह है कि जो लॉ बिजनेस को रेगुलेट करते हैं उस लॉ का वायलेशन मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ये बिजनेस को डील करने वाले लॉ है, अगर इनका वायलेशन होता है तो हटंग का मानना है कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम के डेफिनेशन में आएगा। और व्हाइट कॉलर क्राइम कौन कर रहा है? विच इज कमिटेड फॉर अ फर्म, जो फर्म के लिए कर रहे हैं, बाय द फर्म, जो फर्म कर रहा है और उसके एजेंट कर रहे हैं, उनके बिजनेस करते हुए, ऐसे ऑफेंस को व्हाइट कॉलर क्राइम के कैटेगरी में लेकर आया है हटंग ने। अब हम मूव करते हैं फीचर्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम के फीचर्स क्या है? विक्टिम्स ऑफन सफर द इफेक्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम विदाउट इवन मीटिंग द प्रिपरेटर। तो यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि विक्टिम जो है, नॉर्मली क्या होता है ट्रेडिशनल ऑफेंस में, ऑफेंडर और विक्टिम आमने सामने होते हैं और ऑफेंडर विक्टिम के अगेंस्ट में ऑफेंस करता है, ये ट्रेडिशनल ऑफेंस है। लेकिन फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइट कॉलर क्राइम के क्या है कि यहां पर विक्टिम तो सफर हो रहा है और व्हाइट कॉलर क्राइम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल जो है ना तो उससे मिला ना तो उसके आमने सामने आया, मतलब जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं, मैंने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मुझे पता है इसमें ये डिफेक्ट आया, लेकिन मैंने उस डिफेक्ट को कंसील किया और लोगों को बेचना शुरू कर दिया। अब जो वो प्रोडक्ट खरीदेगा वो विक्टिम हो गया, मैं हो गया ऑफेंडर, मैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो गया, ना तो मैं उस कंज्यूमर से कभी मिला ना तो वो मैं आमने सामने गया, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब विक्टिम से मिले बिना भी व्हाइट कॉलर क्राइम किया जा सकता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी का। इट इज इन एसेंस ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ थिफ्ट।
इट इज विक्टिमलेस इन रिलेशन विद फिजिकल डैमेज। देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, इट इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ थिफ्ट। अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी उसके पोजिशन से लेकर जाता हूँ उसके परमिशन के बगैर, तो ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ थिफ्ट हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसको फंसा कर उससे अगर पैसा ऐंठता हूँ मैं, इट इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ थिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स आने के बाद वो बोलते हैं कि आपको इतना इतना प्राइस आप जीत गए हैं, और अगर वो प्राइस आपको क्लेम करना है तो 30,000 रुपये आपको अकाउंट में डालना पड़ेगा। आप उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हो पैसे, उसके बाद ना उसका फोन लगता है और ना उससे कोई कॉन्टैक्ट होता है। तो ये क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ थिफ्ट है। मतलब आपके पैसे तो उसके पास चले गए लेकिन वो ना आपके सामने आया ना आपके पोजीशन से उसने पैसे लिया, तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ थिफ्ट है व्हाइट कॉलर क्राइम है। इट इज विक्टिमलेस इन रिलेशन विद फिजिकल डैमेज। अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में अगर फिजिकल डैमेज को हम कंसिडर करें तो ये विक्टिमलेस है, किसी को फिजिकल डैमेज यहां पर नहीं होता है। ऑलवेज पर्सन को मॉनिटरी लॉस होता है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में। देखिए offenses offenders are at work at the scene while victims are not present and unaware of offending। offenders अपना काम कर रहे होते हैं और victims को यह पता ही नहीं होता है कि वो offend भी हो रहे हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में offense हो रहा है। तो क्या होता है, offender अपने तरफ से काम कर रहे होते हैं। जो offender है वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल आएगा कि आप इतना इतना अमाउंट जीत चुके हैं, 10,00,000 रुपए जीत चुके हैं, अगर आपको 10,00,000 चाहिए तो आप 30,000 रुपए हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करो। जैसे ही आप अकाउंट में डिपॉजिट करोगे आपके अकाउंट में हम 10,00,000 ट्रांसफर कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाइट कॉलर क्राइम आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ना फंसूंगा उसमें, मैं ये कहूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 30,000 रुपए डिडक्ट कर दो, बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दो। वो नहीं करेंगे, तो अब वो तो ट्राई तो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अपने काम पे लगे हुए हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उनके अगेंस्ट में ऑफेंस हो रहा है। मैं नहीं फंसा, कोई और फंस जाएगा, वो 10,00,000 के लालच में 30,000 रुपए डिपॉजिट करेगा और उसको पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो चुका है। तो ऑफेंडर अपना काम कर रहे होते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में और विक्टिम को यह पता नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो रहा है। यह फीचर है व्हाइट कॉलर क्राइम का, समझ रहे हो? तो ये फीचर्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है जो हमने अभी डिस्कस किया। आप अगर कंक्लूजन देखें तो अगर हमको रियल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैव टू कम फ्रॉम द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट, दे आर द मोस्ट लाइकली टू स्टॉप इट, दे कैनॉट लेट एनी वन टेक एडवांटेज ऑफ देम एनी मोर। अगर हम व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को कम करना चाहते हैं तो हम में अवेयरनेस आना जरूरी है, हमको ये पता रहना जरूरी है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और हम जब तक खुद अवेयर नहीं रहेंगे, हम लोगों को अपना फायदा उठाने नहीं देंगे, तभी व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी कम हो सकती है, अदरवाइज नॉट। हम अगर लालच में चले गए, हमको पता है कि पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी आपको फ्री में 10,00,000 रुपये नहीं देगा, आप 30,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो और आपको 10,00,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। ये हमको खुद को अवेयर होना ज़रूरी है कि हमारा कोई फायदा ना उठाए। तो ये था इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।